ऑफिशियल ट्रेलर आउट हो चुका है विक्रम वेदा का। इससे पहले टीजर आउट हुआ था और उसकी हाइप जो बन गई थी ना भाई कि ट्रेलर कब आएगा, तो ट्रेलर आ चुका है एंड ऋतिक एंड सैफ अली खान का जो फेस ऑफ हमारे को शायद देखने को मिल जाए इसके अंदर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम अक्सर सोचते हैं कि हर कहानी के सिर्फ दो ही सिरे होते हैं। कहानी के दो सिरे, अच्छाई बुराई या बुराई, लेकिन हमारी ये सोच गलत है शायद। गलत कैसे? अरे कहाँ कर रहा है यार, एक्शन के लिए आए, हमको भी पता है हाथ में चक्कू है साला, रेडियो पे गाना आ रहा है निकल जाएगा। ए, सुन लेता ना, 2 मिनट का फर्क पड़ता है। अरे यार किस्मत से फाइट मारोगे ना मुन्ना, तभी किस्मत नहीं सुनेगी, मौका सिर्फ आता नहीं है छीना भी जाता है। क्या हर बुराई वाकई बुरी होती है, क्या हर अच्छाई वाकई अच्छी। भले बुरे में फर्क क्या है, स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, पाप पुण्य सब पता है। हम हर एनकाउंटर के बाद चैन की नींद क्यों सोते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमने किसी बेगुनाह को नहीं मारा। We are the good guys. अक्सर सच सही और झूठ गलत होता है, पर इस कहानी में सच और सही दोनों ही गलत है। सच और झूठ दोनों ही गलत है। सवाल सही गलत का है, लाइन किस तरफ सही है और लाइन किस तरफ गलत। गलत ऐसे दुनिया को डिफेंड करके तुम्हें लगता है तुम कोई महान काम कर रही हो? नहीं नहीं, महान काम तो तुम्हारा डिपार्टमेंट कर रहा है ना, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे एनकाउंटर। एक अपराध एक दंड, अगर अपराध करने वाले को सजा देते हैं तो करवाने वाला बच निकलता है, और अगर करवाने वाले को सजा देते हैं तो करने वाला बच निकलता है। फसा दिया, किसको सजा देंगे आप, करने वाले, करवाने वाले को या करने वाले को? एक कहानी सुना है सर, पहला डायरी स्टोरी, गेम क्या है तुम्हारा? यही तो आपको पता लगाना है सर। भाई क्या नेक्स्ट लेवल का ट्रेलर है भाई, इसके लिए तो भाई बहुत ज्यादा तालियां होनी चाहिए। अलग लेवल पे लेके गए ना इस ट्रेलर को, और जैसे हम कह सकते हैं कि विक्रम वेदा जो पहले आ रखे 2017 के अंदर आर माधवम विजय सेतुपति, तो यार उन दोनों की परफॉर्मेंस तो टॉपनर्स थी, कोई भी डिनाई नहीं करेगा। जो इनकी परफॉर्मेंस है, ऋतिक ने जो अनमैचेबल एक स्वैग लेवल अपना सेट कर दिया ना, मैं उनको देख के इतना ज्यादा खुश हो रहा हूँ। उनके इस अवतार को देख के उनका जो करेक्टर है इतना ज्यादा डेंजरस लग रहा है, बैडस करेक्टर है पूरा, और जो उनका एक्सेंट है ना वो यूपी वाला साउंड करता है, थोड़ा यूपी बिहार वाला साउंड है ना, तो वैसी वाइब आ रही है जैसे भाई कट्टे वगैरह चल रहे होते हैं। बट लेकिन जो इसके अंदर ट्रेलर के अंदर जो सीन हमारे को दिखा रखे हैं, एक तो ऊपर से कूद के आते हैं जो, और भाई तलवार हाथ में पकड़ी होती है ऐसे काट देते हैं उस बंदे को, एंड उसके बाद यार कार के गेट के खिड़की जो होती ना विंडो पे ऐसे स्लाइड कर देते उसको, ओ यार वो बहुत ज्यादा खतरनाक था। एंड ये किसकी वजह से हो पाया है, बॉलीवुड की एक ऐसी अच्छी मूवी आने वाली है पुष्कर एंड गायत्री की वजह से, उन्होंने इतनी अच्छी मूवी साउथ को दी है बना के विक्रम वेदा, एंड अब बॉलीवुड को मेरे कैसे उससे भी नेक्स्ट लेवल का ही मिलने वाला है। एंड मैं दोनों मूवी को कंपेयर नहीं करूंगा, बिकॉज यार दोनों मूवी एक लेजेंडरी मूवी होगी मेरे हिसाब से। एंड ट्रेलर इतना ज्यादा प्रोमिसिंग है, इसकी जो स्टोरी है ऋतिक रोशन उनको घुमाएंगे सैफ अली खान को, उनके दिमाग से खेलने वाले हैं, पूरी उनको अपनी कहानियों में बहका देंगे। एंड सैफ अली खान की मेरे को वैसी वाइब आ रही है जैसे सेक्रेट गेम्स के अंदर उनका रोल था ना, तो कहीं ना कहीं मेरे को वैसा कोप लग रहा है वो। एंड ये कोप इतना खतरनाक है, ये भाई सीधा एनकाउंटर कर देता है, बंदे को मार देता है। तो मुझे इसके एक्शन सीक्वेंस काफी ज्यादा अच्छे लगे, मूवी काफी ज्यादा थ्रिलर होने वाली है, एंड जो इसका बीजीएम है लिटरली वो तो भाई गूज़बम्प्स देता है। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको विजय सेतुपति ज्यादा पसंद है या फिर ऋतिक रोशन, मतलब उनकी जो एक्टिंग है, मेरे को तो यार दोनों की बहुत ज्यादा बेस्ट लगी। बॉलीवुड का इस मूवी से भी कमबैक हो सकता है अच्छा खासा, अगर भाई ये मूवी चल गई। तो आप की कह रहे हैं इस ट्रेलर के ऊपर मुझे कमेंट करके बता देना। आई होप आपको ट्रेलर पसंद आया होगा, आपने इसको एंजॉय किया होगा, फिर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया तो। ऑल द ऋतिक रोशन एंड सैफ अली खान फैंस हिट द सब्सक्राइब बटन। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, रब रखा।